सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल के ब्लॉग्स। तो अभी मैं हूँ आप सभी लोगों की मन पसंदीदा प्लेस गोवा में, और अक्टूबर का मंथ है और काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि क्लाइमेट यहाँ का बहुत अच्छा हो चुका है। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसा दिखता है पूरा गोवा, और यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे आने का आपका टोटल कितना खर्चा होने वाला है, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको होटल किस लोकेशन पर लेना है और टैक्सी या फिर स्कूटी किस तरीके से बुक करना है। ये सारी छोटी मोटी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली गोवा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है नॉर्थ गोवा एंड दूसरा है साउथ गोवा। और ये दोनों ही जगह पर बैचलर्स और कपल्स जाना पसंद करते हैं, और आप भी इस वीडियो के लास्ट तक घूम लोगे पूरा नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। तो इजी लैंग्वेज में अगर कहें तो नॉर्थ गोवा जहां 90% इंडियन क्राउड होता है और नाइट लाइफ और बीच पार्टीज़ के लिए नॉर्थ गोवा फेमस है, बट वहीं दूसरी ओर आता है साउथ गोवा जहां पर लोग कम जाते हैं पर यहां के बीचेस बहुत क्लीन है, बहुत ब्यूटीफुल है। और यहां पर आपको सभी फॉरेनर्स मिलेंगे क्योंकि उन्हें पसंद आता है कम क्राउड और सुकून जो यहाँ साउथ गोवा में है। तो दोस्तों, गोवा पहुंचने के लिए सबसे फर्स्ट और सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेन। आप चाहे किसी भी राज्य से हो या फिर किसी भी सिटी से हो, आपको डायरेक्ट थिविम रेलवे स्टेशन तक की टिकट बुक कर लेना है क्योंकि यहाँ से गोवा का मेन मार्केट अराउंड 20 किलोमीटर से। और सेकेंड ऑप्शन है फ्लाइट, जिसके लिए आपको यहाँ के डाबोलिम एयरपोर्ट तक पहुँचना होगा, पर एयरपोर्ट से गोवा के मेन मार्केट की दूरी है 45 किलोमीटर। और अब बात कर लेते हैं रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आपकी होटल की लोकेशंस, यानी जहां पर आपको होटल लेना है, यानी बागा बीच, कलंगड़ बीच और अंजुना बीच तक के टैक्सी फेयर की। तो बात करें अगर थिविम रेलवे स्टेशन की, तो स्टेशन के जस्ट बाहर ही टैक्सी स्टैंड और ऑटो स्टैंड है जहाँ से आपको 600 रुपये में ऑटो मिल जाएगी जिसमें आप 3 लोग बैठ सकते हैं। सेम अगर बात करें डाबोलिम एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट के बाहर ही आपको 2000 रुपए में टैक्सी मिल जाएगी। सो गाइस, नॉर्थ गोवा में पहुंच चुका हूं फाइनली, और इस बार जो है मैंने रिजॉर्ट लिया है, काफी चीप है और बहुत अच्छा भी है, तो आपको एक बार दिखा देता हूं अच्छे से। तो गाइस, ये वाला रिजॉर्ट मैंने लिया है 2500 रुपए पर डे में, और स्विमिंग पूल वगैरह सब है यहाँ पर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि बहुत सारे रशियंस भी है यहाँ पे, बट अगर आपको प्राइस ज़्यादा लगता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1500 से 2000 वाले होटल भी दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और गाइस, बालकनी वाला व्यू यहाँ से देखना रशियंस को। और ये बैठे हमारे संजीव भैया, प्लूटो हॉलीडे कंपनी यानी ट्रैवल एजेंसी के एकमात्र खिलाड़ी। तो ये चीज़ें, और यहाँ पर आपको जो शुगर वगैरह कॉफ़ी वगैरह आपको बनानी हो तो ये चीज़ें भी यहाँ पर है। और वॉशरूम बहुत अच्छा है अगर आप थोड़ा सा हाइजेनिक हो। और गाइस, नॉर्थ गोवा में आने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है होटल की लोकेशन। तो अगर आपने सही जगह पे अगर आपका होटल ले लिया, रिजॉर्ट ले लिया, तो मान के चलो आपका जो पूरा ट्रिप है बहुत अच्छा होने वाला है, वरना तो आप समझो पूरा ट्रिप बिगड़ जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि होटल की जो लोकेशन है, आप या चाहो तो आप रिजॉर्ट ले सकते हो, तो उसकी जो लोकेशन है, पहला जो अंजुना बीच जहाँ पर मैंने ली है होटल, और सेकेंड आप ले सकते हो कलंगड़ बीच के आसपास, और थर्ड जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास बागा के आसपास। ये तीनों लोकेशन पर आप चूज़ कीजिएगा कि यहीं पर आप होटल लेना है आपको। सो गाइस, गोवा में आ चुका हूँ, और गोवा पहुँचने के बाद आपको पूरा साउथ और नॉर्थ गोवा घूमने के लिए एक स्कूटी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसी से आपको पूरा गोवा घूमना है। तो ये वाली स्कूटी मैंने ली है, और इसका जो किराया है लगभग 400 रुपये पर डे है, और 1000 रुपये का मैं इसमें डलवाने वाला हूँ पेट्रोल, जिससे मैं पूरा गोवा एक्सप्लोर कर लूँगा।
और स्कूटी आप देख लीजिए बहुत अच्छी है। और यार स्कूटी रेंट पर लेते टाइम ना उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लेना और वीडियो पूरी बना लेना, ताकि उस पर पहले से कोई स्क्रैचेस ना हो, वरना आपको बाद में उसका पेमेंट करना पड़ेगा। सो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये स्कूटी मुझे कहाँ से मिलेगी, तो जैसे आपके घर के आसपास छोटी मोटी किराने की शॉप्स होती है ना, वैसे ही यहाँ पे गोवा का कुछ माहौल है। आप जैसे ही यहाँ पे गोवा में निकलोगे तो आपको छोटी छोटी बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी जहाँ पे ये स्कूटी आप रेंट से ले सकते हो। तो दोस्तों, डे फर्स्ट में ही आपको सुबह जल्दी उठकर निकल जाना है नॉर्थ गोवा के एक ब्यूटीफुल से बीच के लिए, जिसका नाम है अंजुना बीच। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुका हूं अंजुना बीच पे और क्राउड बहुत कम है, बाकी बहुत अच्छा फील आ रहा है। ये देखिए, और वहां पर आप सामने की तरफ देख रहे हैं, वहां पे हो रही है सारी वाटर एक्टिविटीज। और ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं। और भाई देखो, मैं आपको वाटर एक्टिविटीज एक एक करके बता देता हूँ। येलो वाली जो है वो बनाना राइड है, और इधर साइड में ये है जेट स्की, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। यहाँ पर अगर आए हो तो ज़रूर करना। प्राइस के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना प्राइस होता है यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ का। और वो जो आगे रेड वाली दिख रही है वो बम्पर राइड है। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर क्राउड कम है, बट आपको मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ करने का, क्योंकि अगर आप बागा या कलंगड़ बीच जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है, आपको टाइम कम मिलेगा वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए, पैसे आप पूरे दोगे। तो यहाँ पर है जो आप पूरा मज़ा लेना वाटर एक्टिविटीज़ का। तो गाइस, ओवरऑल बहुत अच्छा बीच है, ब्यूटीफुल सा व्यू भी है यहाँ पे, और वाटर एक्टिविटीज अगर आपको करना है तो यहाँ पर जरूर आइएगा, क्योंकि टाइम आपको ज्यादा मिलेगा। और सामने आप देख रहे हैं अगेन बनाना राइड, और इसके अंदर अगर आप जाते हो तो आपका कैमरा, मोबाइल, पर्स सब बाहर रख के जाइएगा, क्योंकि अंदर जाकर ये पूरा उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तो आपका कैमरा मोबाइल अंदर ही रह जाएगा। तो अंजुना बीच वन ऑफ द बेस्ट बीच फॉर वाटर एक्टिविटीज। ये है संजीव भैया, और फर्स्ट टाइम मेरे साथ गोवा आए हैं, कैसा लग रहा है इनको बताओ? गोवा के बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, काफी सुंदर जगह है गोवा, और यहाँ का एक्टिविटी, यहाँ का एनवायरनमेंट और सब कुछ बेस्ट है, और हो गया, मजा आ गया, मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च तक का यहाँ पे बेस्ट सीजन होता है, तो आप भी प्लान कर सकते हो अक्टूबर से मार्च। गाइस, यहाँ पे अगर आप आते हो सुबह से लेकर तो शाम तक आपका पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि वाटर एक्टिविटीज़ करने में टाइम लगता है। और आगे भी मैं आपको और भी वाटर एक्टिविटीज़ जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, और प्राइस भी मैं आगे डिस्क्लोज करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा आप। और डे टू में आपको निकल जाना है गोवा के मोस्ट पॉपुलर बीचेस में से एक, बागा बीच के लिए, जो हमारी होटल से लगभग 6 किलोमीटर दूर था। सो गाइस, राइट नाउ आई एम इन बागा बीच, और बहुत अच्छा बीच है और सेकेंड मोस्ट पॉपुलर बीच है ये गोवा का, तो व्यू मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लाइफ के मजे अगर करने हैं तो गोवा तो आना पड़ेगा। Somewhere at the old, let's take it.
अभी यहाँ पे आपको क्राउड थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि मैं 1 अक्टूबर को ही यहाँ पे आ चुका हूँ, बट अगर आप मिड अक्टूबर के बाद भी अगर प्लान करते हैं गोवा और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक भी प्लान करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउड मिलने वाला है आपको यहाँ पे। और ये देखिए कुछ लोग क्या बना रहे हैं, गणपति बप्पा, वाओ ग्रेट। और तो ये लोग मुझे कर्नाटका से दिख रहे हैं, तो इस तरीके से इन्जॉय कर सकते हो आप अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पे। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी वाटर एक्टिविटीज़ हो रही है, बट क्राउड थोड़ा सा मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर टाइम कम दे वो लोग, तो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ आप करना चाहो। मैंने आपको बता दिया है कि अंजुना पर कीजिएगा या फिर जहाँ आपको क्राउड कम दिखे वहाँ पर आप कर सकते हो। तो गाइस सामने की साइड आप देख सकते हो, जो आपको सामने दिख रही है उस एक्टिविटी का नाम है पैरासेलिंग। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मेन है, गोवा की अगर मज़े करना है तो उसमें ज़रूर राइड कीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं गोवा में होने वाली वाटर एक्टिविटीज़ के बारे में। तो अभी मैं हूँ बागा बीच पर, यहाँ पर भी आप वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, और इसके अलावा अंजुना बीच और कलंगड़ बीच दोनों पर वाटर एक्टिविटीज़ होने वाली है। तो 1500 रुपये पर पर्सन इसका चार्जेस है, और क्या क्या आप कर सकते हो 1500 रुपये में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गोवा में अगर वाटर एक्टिविटीज़ की बात करें तो आती है जेट स्की, बोट राइड, पैरासेलिंग, बनाना राइड और बम्पर राइड। ये पांचों एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं मात्र 1500 रुपये में, और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपको कुछ भी ऑनलाइन बुक नहीं करना है, बस आपको पहुंच जाना है बीच पर, वहीं पे आपको एजेंट मिल जाएंगे जो आपकी 1500 रुपये में ये सारी एक्टिविटीज़ करवा देंगे। और ये बीच साइड पे आप देख रहे हो, ये जो बने हुए हैं इन्हें शेक्स कहते हैं, और इसमें बैठ के आप खाना वगैरह खा सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, बट नाइट में ये जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी लगती है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है, वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। बट गाइस मेरा ना आपको सजेशन यही रहेगा कि खाना वगैरह जो है आप यहाँ पर ऑर्डर मत कीजिए, यहाँ पर मत खाइए, क्योंकि यहाँ पर कॉस्टली भी और आपको मज़ा भी नहीं आने वाला है, तो यहाँ पे ओनली स्नैक्स वगैरह आप खा सकते हैं। सो गाइस होटल जो है आपको याद रखना है बीच साइड ही लेना है, क्योंकि ये फ़ायदा होता है कि जब आपका मन करे जब आप घूमने यहाँ पर आ सकते हो, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो गाइस बागा बीच के जस्ट पास में बहुत बड़ा फिश का मार्केट है, यानी मछलियाँ हैं, और इतनी सारी मछलियाँ मैंने एक साथ तो ऐसे पकड़ते हुए नहीं देखा है, बट अभी आया हूँ तो आपको दिखा देता हूँ। और गाइस यहाँ पर देखो आप, ये कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं मछलियाँ, और यहाँ पे ऐसे जाल बिछा के और फिर पकड़ के और यहाँ पे इनको कलेक्ट कर रहे हैं। वाइट वाइट मछलियाँ दिख रही है मुझे, गोल्डन तो एक भी नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से कुछ गोवा का माहौल है, तो ये भी आप देख सकते हो। ओवरऑल मुझे ना ये मार्केट बहुत बड़ा दिख रहा है, बागा बीच के जस्ट पास में ही है, तो अगर आप बीच पे आते हो तो थोड़ा सा आप राइट हैंड पे आगे जाके ये मार्केट देख सकते हो, बहुत बड़ा मार्केट है यार। और ये देखो यहाँ पर भी कलेक्ट की हुई है मछलियाँ, शॉप्स लगा रखी है। और ये देखो केकड़े, भाई अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, सी फूड खाना पसंद करते हो, तो गोवा आपके लिए बेस्ट है। और फाइनली बागा बीच से निकलकर आपको सीधा आ जाना है कलंगड़ बीच के लिए, जो अराउंड 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और गाइस ये है गोवा का सबसे फेमस बीच कलंगड़ बीच, और यहाँ के व्यूज बागा से और भी बेहतर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो आपकी लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगा। Ha 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 ha
सो गाइस मेरे पीछे फोटो सेशन चल रहा है और किस तरीके से फोटो शूट कर रहे हैं देखना एक बार, अभी देखना इस तरीके से फोटो शूट हो रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर आइए, और मैंने बहुत सारे फोटो शूट करवाए हैं और इंस्टाग्राम पे आप चेक कर लीजिएगा। और ये देखो गाइस यहाँ पर पानी की लहरों के बीच में मस्तियाँ कर रहे हैं कुछ लोग बैठ के, और बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखकर भी। और आप भी अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ पर आइए, गोवा का प्लान कीजिए और ये सब चीज़ को फील कीजिए। और शाम को 6:30 बजे के बाद आपको वहाँ के लोकल गार्ड्स के द्वारा बाहर कर दिया जाता है समुद्र से, ताकि आप लोगों के साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो। तो इस चीज़ में आपको उनका सपोर्ट करना है ताकि वो लोग सुरक्षित रहें और आप भी रहें। तो गाइस पूरा दिन गोवा के बीचेस को एक्सप्लोर करने के बाद आपको सीधा आ जाना है गोवा की नाइट लाइफ को एंजॉय करने। तो राइट नाउ अभी मैं हूँ बागा बीच पर, और ये जो आप गली देख रहे हैं इसका नाम है टीटोस लेन। यानी यहाँ से 200 से 300 मीटर पे बागा बीच बना हुआ है, और ये जो गली है रात में 3 से 4 बजे तक ओपन रहती है। और यहाँ पे बार्स, क्लब्स सभी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर आकर पूरी नाइट स्पेंड कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और गाइस टीटोस लेन से होता हुआ अभी मैं बीच पर आ चुका हूँ, और रात का माहौल कुछ और होता है बीच का। ये वही बीच है जहाँ पर हमने दिन में मस्ती की थी, और अभी आप देख लो पूरा चेंज हो चुका है। और गाइस यहाँ पर क्लब में डांस वगैरह आप सब कुछ फ्री कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे। टीटोस लेन में हालांकि चार्जेस था, बट यहाँ पे नहीं है, ये पूरा फ्री है आपके लिए। I'm so happy.
और गोवा के लास्ट डे में सुबह 8 बजे तक आपको अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है और निकल जाना है पूरे दिन के लिए साउथ गोवा की तरफ। हालांकि मैंने अपना ब्रेकफास्ट रिजॉर्ट में ही किया था जो 2500 रुपये पर डे के इस रेंट में इंक्लूड था। और आपने देखा है कि कल मैं था नॉर्थ गोवा में और अभी निकलने वाला हूँ साउथ गोवा के लिए जो अराउंड यहाँ से 70 किलोमीटर से। तो चलते हैं, निकलते हैं। और गैस कल मैं नॉर्थ गोवा घूमा था तो मेरे पूरे सॉक्स जो है ख़राब हो चुके थे, तो मैंने कल ही इसको ऑर्डर कर दिया था shockshow.com। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी। तो सॉक्स का जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा दिख रहा है और अभी इसको चेक करते हैं। सही लग रहा है मटेरियल। सो फाइनली गाइस रेडी हो चुका हूं और निकलते हैं साउथ गोवा के लिए। लेट्स गो। और 70 किलोमीटर के इस खूबसूरत से सफर को तय करते हुए मैं पहुंचा साउथ गोवा के इस ब्यूटीफुल से बीच पर जिसका नाम है कोलवा बीच। सो गाइस राइट नाउ आई एम इन साउथ गोवा और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ कोलवा बीच पे। और यहाँ पे अगर आप आते हो ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मानो कोई फॉरेन कंट्री का बीच विजिट कर रहे हो, क्योंकि बहुत नीट एंड क्लीन है। और इसके अलावा यहाँ पर आप व्यूज़ देख सकते हो, बहुत अच्छे आएंगे, फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो, आपकी बहुत अच्छी आने वाली है। और गाइस सामने आप व्यू देखो एक बार। यहाँ पे अगर आप फोटोज़ वगैरह कलेक्ट करते हो, क्लिक करते हो, तो एक्चुअल में आप लगेगा कि गोवा आए हो। और पूरा एक बार साउथ गोवा के इस बीच का व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए बहुत सही लग रहा है। सो गाइस साउथ गोवा अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम क्राउड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो साउथ गोवा है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जितने भी यहाँ पर बार्स और रेस्टोर वगैरह है थोड़े से आपको महंगे पड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्राउड है वो ए क्लास है। यानी आप मान के चलो सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी कभी कभी आपको यहाँ पे स्पॉट हो सकते हैं। तो बीच अच्छा है, क्लीन है, इसलिए यहाँ पर सभी लोग आते हैं। और मोस्टली जो है यहाँ पर कपल आना पसंद करते हैं, नॉर्थ में ज़्यादा लोग नहीं आते। तो अगर आप कपल हो तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और लास्ट में आता है साउथ गोवा का मोस्ट अट्रैक्टिव बीच जिसका नाम है पॉलोलिम बीच, जो कोलवा बीच से अराउंड 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और गाइस ये जो बीच है थोड़ा सा दूर ज़रूर है, बट यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर 70% जो क्राउड होता है वो फॉरेनर्स का होता है। और आपको पता ही है फॉरेनर्स जो होते हैं थोड़ी सी पीस वाली जगह, शांति वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं। तो ये वही जगह है पूरे गोवा में जहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी यहाँ पर आते हो तो आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। देखो मैं आपको एक बार सारी चीज़ें एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो व्यू, आप इतना अच्छा व्यू, एक कोलवा बीच का था और ये दूसरा है पॉलोलिम बीच। ये व्यू आपको नॉर्थ गोवा में कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। ये देखो पूरा जो बीच है बहुत नीट है, बहुत क्लीन है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर्स ज़्यादा होते हैं। सो गाइस वन ऑफ द फाइनेस्ट बीच इन गोवा, इन साउथ गोवा। और ये आप एक्सप्लोर ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे फॉरेनर्स भी देखने को मिल गए हैं और व्यू बहुत अच्छा है। और पूरा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ साउथ गोवा का ये पॉलोलिम बीच। और गैस ये जो आप सामने की तरफ कोकोनट ट्रीज देख रहे हो ना, यही सब चीज़ें हैं जो साउथ गोवा के बीचेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं। और बहुत खूबसूरत सा व्यू है, अगर कोकोनट ट्री नहीं होते तो शायद ये व्यू नहीं मिलता।
और यहाँ पर जो वाटर एक्टिविटीज़ का चार्जेस है थोड़ा सा हाई है, तो आप चाहो तो नॉर्थ गोवा में भी कर सकते हो वाटर एक्टिविटीज़, बट अगर आप प्राइवेट आइलैंड टाइप से कुछ चाहते हो और यहाँ पर करना चाहते हो एक वाटर एक्टिविटीज़ तो आप यहाँ पर कर सकते हो। चार्जेस यहाँ पर लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपये है 5 एक्टिविटीज़ का। और यही बीच पर काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और कैफेज़ भी बने हुए हैं जहाँ पर आप बैठकर बीच के इस ब्यूटीफुल से व्यू को एंजॉय कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ बीच पर रूम भी ले सकते हो जिसका किराया 3 से 4 हज़ार के बीच होता है। सो फाइनली अब बात कर लेते हैं कि गोवा में आपका टोटल कितना खर्चा होने वाला है 2 लोगों का। और टूर प्लान तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फर्स्ट डे में आपको विजिट करना है अंजुना बीच और फिर वहीं पे सारी वाटर एक्टिविटीज़ कर लेना है, और शाम को आपको बागा या फिर कलंगट की नाइट लाइफ को इन्जॉय करना है, और सेकेंड डे में आपको बागा और कलंगट दोनों बीच को विजिट करना है और शाम को फिर वही नाइट लाइफ को इन्जॉय करना है। और हाँ, वाटर एक्टिविटीज़ आप बागा और कलंगट दोनों में वहाँ पर भी कर सकते हो। और थर्ड डे में आपको जो है इन्जॉय करना है साउथ गोवा को, यानी कोलवा बीच और पोलेलम बीच को। तो ये था पूरा टूर प्लान। अब बात कर लेते हैं टोटल खर्चों की जो गोवा में आपका होने वाला है 2 लोगों का। तो सबसे पहला जो खर्चा है आपका वो होने वाला है होटल में 2500 रुपये पर डे के हिसाब से 3 दिन का खर्चा होता है 7500 यानी 7500। दूसरा जो आपका मोटा मोटा खर्चा होने वाला है वो होने वाला है स्कूटी रेंट में 400 रुपये पर डे के हिसाब से 3 दिन के लिए आपको स्कूटी लेना है तो 4×3 = 12 यानी 1200 रुपये आपका होने वाला है स्कूटी का खर्चा। और उसमें डला लेना है आपको फ्यूल, 1000 रुपये होते हैं फ्यूल के यानी पेट्रोल के। और चौथा जो आपका मोटा मोटा खर्चा होने वाला है वो होने वाला है खाने में, 2 लोगों का अगर आप खाने का खर्चा मान के चलो तो 700 रुपये पर डे के हिसाब से 3 दिन का खाना होता है 2100 रुपये का। तो ये था पूरा टोटल खर्चा। अगर आप इनको टोटल करते हो तो टोटल होते हैं 11800 यानी 12000 में आप पूरा गोवा घूम सकते हो। और अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करना चाहते हो तो इसमें 1500 रुपये और ऐड कर देना। तो ये था पूरा टूर प्लान 12000 में गोवा का। बट अब बात आती है कि जो लोग स्कूटी से नहीं घूमना चाहते गोवा में, यानी कोई कपल है या फिर कोई एजेड है, थोड़ा सा वृद्ध है, वो लोग घूमना नहीं चाहते बारिश का मौसम है या फिर गर्मी का मौसम है, तो इस सिचुएशन में आप स्कूटी नहीं प्रेफर करोगे मान लो, तो आपको लेनी पड़ेगी एक कार। तो कार का जो किराया है बहुत हाई है, बट अगर यही सेम टूर प्लान, यही होटल और यही जो चीज़ें मैंने घूमी है ये सारी जगह आपको कार से मिल जाए वो भी 15000 रुपये में, तो कैसा रहेगा, सही है ना। तो एक ट्रेवल कंपनी है जिसका नाम है फ्लूटो हॉलीडे कंपनी, उसका जो नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है, उनसे आप ये पूरा टूर प्लान, पूरा टूर पैकेज ले सकते हो ओनली 15000 रुपये में 2 लोगों का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।